चित्तौड़गढ़ जिले के डुंगला उपखंड क्षेत्र से गुजरने वाली मंगलवार से बड़ी सादड़ी सड़क जो करीब 4 साल पूर्व 55 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुई, लेकिन सरकारी नुमाइंदों की लापरवाही व कुछ जिम्मेदार लोगों के आश्रय के कारण ठेकेदारों द्वारा बनाई गई सड़क बनने के 1 साल बाद ही टूटना शुरू हो गई। अब तो हालत इतने खराब हो गए हैं कि सड़क पर जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं और उन्हीं गड्ढों से गुजर कर राहगीरों को सरकार के यहाँ 55 करोड़ रुपए दर्द दे रहे हैं। सबसे अहम बात यह है कि इसी सड़क पर विकास अधिकारी, तहसीलदार, उपखंड अधिकारी और स्वयं सड़क के जिम्मेदार सार्वजनिक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता सहित सक्षम अधिकारियों के कार्यालय स्थित है, जिसकी वजह से दिन में कई बार इन गड्ढों से इन अधिकारियों को भी गुजरना पड़ रहा है, लेकिन अधिकारी भी शायद इसे नजरअंदाज कर रहे हैं। कई बार पंचायत समिति के साधारण सभा की बैठक में भी इतनी बड़ी राशि खर्च होने के बाद इस सड़क की खस्ता हाली को लेकर मुद्दे उठे, लेकिन सक्षम अधिकारियों की अनदेखी के चलते ठेकेदारों के हौसले बुलंद है। सड़क गारंटी पीरियड में होने के बावजूद ना ही कोई मरम्मत करने वाला है और ना ही कोई सुध ले रहा है। क्षेत्रवासी जनसुनवाई सहित सरकार के हर कार्यक्रम में इस सड़क की खस्ता हाली की पीड़ा बता चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद आश्वासन के अलावा सड़क के इन गड्ढों में एक तगारी मिट्टी तक नसीब नहीं हो पाई। डुंगला से नितेश शर्मा की रिपोर्ट।